हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी एनिमी और यह जो है विस्टेस बुक का एक लेसन है और ये लिखा गया है पर्ल एस पक के द्वारा। आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह लेसन इसका यह जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट है। चूँकि ये बहुत बड़ा लेसन है इसलिए ये जो है कई पार्ट में कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसके फर्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब आइए हम इस लेसन के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, लेसन यहाँ से स्टार्ट है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन फ्लेड। इसमें कह रहा है कि डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस, डॉक्टर सदाव हॉकी का घर जो था वॉज बिल्ट, वह बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ऑन ए स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट। कोस्ट मीन्स होता है समुद्री किनारा। कह रहा है कि समुद्री किनारे के ऐसे स्थान पर वेयर, जहाँ एज ए लिटिल बॉय, जहाँ वह लड़के के रूप में, मतलब कहने का मतलब जब वे लड़के थे, ही हैड ऑफन प्लेड, वह प्रायः खेला करते थे। पूरे सेंटेंस को आप इस तरह कहेंगे कि डॉक्टर सदाव होके का मकान जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर था जहां छोटे लड़के की अवस्था में वे अक्सर खेला करते थे। उनका मकान कैसा था? कह रहा है कि दी लो, निचला मतलब उसका नीचा था, स्क्वायर स्टोन हाउस। स्क्वायर मीन्स था स्क्वायर स्टोन, मतलब चौकोर पत्थर, अर्थात चौकोर नीचा और चौकोर पत्थरों का बना घर था। वास सेट, जो स्थित था, कहाँ स्थित था? अपन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर। वेल एबव, काफ़ी ऊपर। अ नैरो बीच, एक संकीर्ण समुद्र किनारे से, जो एक संकीर्ण समुद्र किनारे से काफ़ी ऊपर जो है चट्टानों पर स्थित था। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइंस। कह रहा है कि जिस पर जो है वॉज आउटलाइंड, जिसके किनारे किनारे क्या थे? विथ बेंट पाइंस। बेंट का मतलब झुका हुआ, पाइंस में देवदार के वृक्ष, जिसके किनारे किनारे देवदार के वृक्ष थे। इसके मकान के बारे में कहा जा रहा है कि वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर था, जिसके किनारे पर झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे। यहाँ जो आउटलाइन है, ये जो है ना, ये आउटलाइन मतलब वो जो उसके जो पत्थरों के जो किनारे थे, वहाँ पर किनारे किनारे जो है देवदार के वृक्ष, झुके हुए देवदार के वृक्ष थे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे बॉय, एक लड़के के रूप में, या जब वह लड़का था, सदाव हैड क्लाइम द पाइन्स। सदाव जो है देवदार के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, अपने को सहारा देते हुए, अपने को सपोर्ट देते हुए, ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से। बेयर का मतलब नंगा होता है। अपने नंगे पैरों से सहारा देते हुए वह देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाता था जब वह लड़का था। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने कह रहा है, एज ही हैड सीन मैन डू, जैसा कि उसने आदमियों को देखा था करते हुए, ऐसा करते हुए। कहाँ देखा था? इन द साउथ सीज, दक्षिणी सागर में। वेन, जब दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब वह जो है कोकोनट के लिए, अर्थात नारियल के लिए, नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। तो उस ऐसा जो है वह जो सदाव था, वह देवदार के वृक्ष पर अपने नंगे पैर ही वह चढ़ जाता था, क्योंकि उसने दक्षिणी सागर में लोगों को नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। आगे है, कह रहा है कि हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दो सीज। कह रहा है कि उसके हिज फादर, उसके पिता, हैड टेकन हिम, उसे ले जाते थे ऑफन, प्रायः। कहाँ ले जाते थे? टू द आइसलैंड ऑफ दो सीज, आइसलैंड में द्वीप। कह रहा है कि उन सागरों के द्वीपों पर, उसके पिता उसे प्रायः उन सागरों के द्वीपों पर ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और वह कभी भी कहने में फेल नहीं होते थे, या कहने से चूकते नहीं थे। क्या कहने से नहीं चूकते थे? टू द लिटिल ब्रेव, कह रहा है, फिर से देखिए एक मिनट, कह रहा है कि हिज फादर, उसके पिता, हैड टेकन हिम, उसे ले जाते थे ऑफन, प्रायः, टू द आइसलैंड ऑफ दो सीज, उन सागर के द्वीपों पर। एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और वह कभी कहने से चूकते नहीं थे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे बहादुर लड़के से, एट हिज साइड, जो उनके पास खड़ा होता, वह कभी भी
उस बहादुर छोटे लड़के से जो उनके पास खड़ा होता कभी भी कहने से नहीं चूकते थे। क्या कहते थे वो? कहते थे कि दोस आइसलैंड योंडर, योंडर मीन्स होता है सामने, योंडर मीन्स सामने। वो कहते थे कि वे सामने जो द्वीप हैं दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। स्टेप कह कि ये जो है जापान के भविष्य की क्या है, स्टेपिंग स्टोन्स हैं, अर्थात जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। वो कहते थे ये सामने सामने जो द्वीप हैं ये जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। तो फिर राइटर कहता कि वेयर शैल वी स्टे फ्रॉम देम। वो कहता कि हम लोग वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, मतलब हम फिर उस द्वीपों से कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड ऑक्स्ड सीरियसली, सदाओ जो है सीरियसली पूछता, मतलब गंभीरता से पूछता कि हम वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। तो उसके पिता कहते कि हु नोस, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने उत्तर दिया था कि हु नोस, कौन जानता है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, उन्होंने कहा कि हमारे भविष्य को कौन लिमिट कर सकता है, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स, ये कह डिपेंड्स ऑन, ये उस पर निर्भर करता है व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसको बनाते हैं, अर्थात हमारा देश वैसा बनता है जैसा हम इसको बनाते हैं। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, कह रहा है कि सदाओ ने इस बात को अपने मस्तिष्क में रखा, अर्थात इस बात को याद रखा। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि वह हर उस चीज को याद कर लेता था जो उसके पिता कहते थे। मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इस बात को अपने मस्तिष्क में रख लिया, अर्थात इस बात को याद कर लिया। जैसा कि ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि वह हर उस बात को याद कर लेता था, अपने मन में रख लेता था जो उसके पिताजी कहते थे। हिज फादर, उसके पिता हु नेवर जोक्ड नार प्लेड विथ हिम, जो ना तो उसके साथ कभी जोक की, अर्थात ना तो कभी हंसी मजाक की और ना ही उसके साथ खेले। बट लेकिन हु स्पेंट इनफाइनाइट पेंस अपान हिम, इनफाइनाइट पेंस मतलब, इनफाइनाइट पेंस मतलब काफ़ी कष्ट, स्पेंट इनफाइनाइट पेंस मतलब काफ़ी कष्ट सहना, ठीक है। उसमें कह रहा है लेकिन हु स्पेंट इनफाइनाइट पेंस अपान हिम, लेकिन वह उसके लिए जो है उन्होंने काफ़ी कष्ट उठाया था। हु वाज हिज ओनली सन, जो कि उनका एक लौता लड़का था, अर्थात लेकिन अर्थात तो पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि उसके पिता ने कभी भी उसके साथ न तो हंसी मजाक किया और न ही उसके साथ खेला, लेकिन उसके लिए, लेकिन अपने इकलौते पुत्र के लिए उन्होंने काफ़ी कष्ट उठाया था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीव कंसर्न, कह रहा है कि सदाओ न्यू, सदाओ जानता था दैट की हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा जो थी वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, उसके पिता की मुख्य चिंता थी। कंसर्न मीन्स चिंता होता है, कंसर्न मीन्स क्या होता है, चिंता। तो सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा जो है उसके पिता की मुख्य चिंता थी, मतलब उसके पिता उसकी शिक्षा के लिए काफ़ी चिंता करते थे। फॉर दिस रीजन, इस कारण के लिए ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, अरे उसे जो है 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेजा गया टू लर्न, सीखने के लिए ऑल दैट, वे सारी चीज़ें कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखी जाती है, अर्थात उसे सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए उसे 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेजा गया। ही हैड कम बैक एट 30, और वह 30 वर्ष की उम्र में वापस आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपने पिता के मरने के पहले, ही हैड सीन सदाओ, उसने ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस, उन्होंने करे उसके पिता के मरने के पहले उन्होंने उसे देखा था क्या होते हुए, बिकम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए, नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक सर्जन के रूप में ही नहीं बट एज ए साइंटिस्ट, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में भी, अर्थात उसके पिता ने उसे सदाओ को जो है एक सर्जन के रूप में ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध होते हुए देखा था अपनी मृत्यु से पहले। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वह एक ऐसी खोज को पूर्ण कर रहा था या ऐसी खोज में लगा हुआ था विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, एंटायरली मीन्स पूरी तरीके से, जो कि वाउंड्स मीन्स होता है घाव, गाउंड्स भी घाव होता है। उसमें क्या कर रहा है, ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वह एक ऐसी कहानी को पूर्ण कर रहा, सॉरी ऐसी खोज को पूर्ण कर रहा था या ऐसी खोज में लगा हुआ था विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, जो कि घावों को पूरी तरीके से साफ कर देती। He had not been sent abroad in विदेश with the troops means सैनिक दल, सैनिकों का दल, करा कि उसे सैनिक दल के साथ जो है विदेश नहीं भेजा गया। ही न्यू, वह जानता था कि देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, स्लाइट डेंजर मतलब थोड़ा खतरा, वो जानता था कि देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, वो जानता था कि थोड़ा खतरा है
दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि उस बूढ़े जनरल को जो है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, फॉर ए कंडीशन, कह रहा है कि उस स्थिति के लिए, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, जिसका जो है चिकित्सकीय उपचार हो रहा था। इसमें कह रहा है कि उन्हें सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, इसके अलावा वह यह भी जानते थे कि कुछ मामूली खतरा था, जो कि पुराने जनरल को एक ऐसी स्थिति के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए अब उसका चिकित्सकीय इलाज किया जा रहा था, और इस संभावना के लिए इस सदाव को जापान में रखा जा रहा था। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए इसमें कह रहा है कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ द ट्रूप्स, उन्हें जो है सैनिक दल के साथ विदेश नहीं भेजा गया। ही न्यू, वह जानता था कि देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, कि जनरल को जो है उस स्थिति में जो है कुछ खतरा है और उन्हें जो है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए उनका चिकित्सकीय इलाज किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के लिए सदाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में रखा जा रहा था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, कह कि क्लाउड्स मीन्स बादल होता है, कह कि अब बादल जो थे ओशन सागर से क्या हो रहे थे, राइज मतलब सागर से उठ रहे थे, अब बादल जो है सागर से उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनापेक्षित, अनएक्सपेक्टेड मतलब अनापेक्षित होता है, ऐसा मतलब होता है जिसकी अपेक्षा न की जा सके। वार्म्थ, वार्म्थ मीन्स गर्मी होती है, तो इसमें कह रहा है कि द अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ, अनापेक्षित गर्मी, किसकी अनापेक्षित गर्मी, कह रहा है कि ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की अनपेक्षित गर्मी ने हेड एट नाइट, रात्रि में जो है ड्रोन खींच लिया था, हैवी फॉग, भारी धुंध को, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से। कुल मिला के इस तरह कहेंगे कि पिछले कुछ दिनों की अनपेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी धुंध को खींच लिया था। सदाओ वास्ट मिस्ट हाइड outline of a little island near the shore and then come creeping up the bees below the house. इसमें कह रहा है कि सदाओ वास्ट, सदाओ देखा, किसको देखा सदाओ ने, मिस्ट में होता है धुंध, धुंध को, हाइड छुपाते हुए, outlines of a little island, कह रहा है कि उस छोटे से द्वीप की outline को, मतलब वाह सीमा को, नियर द सो, और वह आइजन जो समुद्र के किनारे पर था। कुल मिला के इस तरह कहेंगे कि सदाओ ने देखा कि जो धुंध है वह समुद्र के पास का जो आइजलैंड है उसकी सीमा रेखा को क्या कर रही है, उसको हाइड कर रही है, तो उसकी सीमा रेखा को छिपा रही है। एंड देन, और तब जो है कम क्रिपिंग अप, क्रिपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए, एंड देन कम क्रिपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और तब जो है बीच के ऊपर रेंगता हुआ, है ना, क्रीपिंग अप द बीच, बीच के ऊपर रेंगता हुआ, बिलो द हाउस, घर के नीचे आ गया था। फिक्र है कि रीडिंग अराउंड द पाइंस, रीडिंग अराउंड का मतलब होता है लिपटना, और पाइंस मीन्स देवदार के बीच। फिक्र है कि और जो देवदार के बीचों से लिपट रहा था, इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में फॉग, करा कि जो धुंध है या जो कोहरा है, वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, रहा कि यह घर से भी लिपट जाएगा, अर्थात घर को भी ढक लेगा। देन, तब जो है ही वुड गो इनटू द रूम, तब वह कमरे में चला जाएगा, वेयर, जहां पर हाना हिज वाइफ, जहां पर उसकी पत्नी हाना वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रही होगी, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ। फिक्र है कि बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी क्षण द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला, एंड सी लुकड आउट, और उसने बाहर देखा, अ डार्क ब्लू उलेन हाउरी, कह रहा है कि एक डार्क, एक गहरी जो है ब्लू उलेन हाउरी, कह रहा है कि ऊनी हाउरी, ओवर इस किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर, अर्थात वो अपने किमोनो के ऊपर जो है एक डार्क ब्लू हाउरी पहने हुए था। किमोनो क्या होता है, एक जापानी पोशाक होती है,
और उसके ऊपर जो ये जो हावोरी है, ये हावोरी एक प्रकार का कुर्ता या चोंगे की तरह या कुर्ता की तरह पोशाक होता है, ठीक है। तो वो अपने किमोनो के ऊपर, मतलब तो जो जापानी पोशाक थी उस पर एक डार्क ब्लू कलर का उलेन जो है हावोरी पहनी हुई थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह उसके पास प्रेम पूर्वक आई, अफेक्शनेटली मतलब प्रेम पूर्वक, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और क्या किया उसने, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज और अपनी बाँह उसकी बाँह में डाल दी, एज ही स्टूड मतलब जब वह खड़ा था, सकने मतलब जहाँ वह खड़ा था वह आई और अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया, स्माइल मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग और कुछ भी नहीं कहा, ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वह हाना से अमेरिका में मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर सी वॉज जैपनीज, कह रहा है कि वह हाना से अमेरिका में मिला था, कह रहा है बट लेकिन ही हैड वेटेड, लेकिन उसने इंतजार किया टू फॉल इन लव विथ हर, उसके साथ प्रेम करने के लिए, उसके साथ प्रेम करने के लिए उसने इंतजार किया, अंटिल ही वॉज श्योर, जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि सी वॉज जैपनीज, वह जैपनीज थी, जब तक उसे विश्वास नहीं होगा कि वह जापनीज थी तब तक उसने उससे प्रेम नहीं किया, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, कह रहा है कि हिज फादर उसके पिता जो है वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते, अनलेस जब तक शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक कि वह उसकी शुद्ध जाति की नहीं होती, अर्थात जब तक वह शुद्ध जापानी नहीं होती तब तक उसके पिता उसे स्वीकार नहीं करते, उसका कहने मतलब यदि वह जापानी न होती तो उसके पिता द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता। ही वंडर्ड ऑफन, प्राय उसे आश्चर्य होता है कि whom he would have married, कि वह किसके साथ शादी किया होता इफ ही हैड नॉट मेट हाना, यदि वह हाना से न मिला होता, एंड बाई वॉट लक, और उसका क्या सौभाग्य, क्या एंड बाई वॉट लक, उसका क्या सौभाग्य था कि ही हैड फाउंड हर, कि उसने उसे पाया, मतलब हाना को पाया, इन द मोस्ट कैजुअल, बहुत ही साधारण ढंग से, बाई चांस लिटरली, क्रैसी संभव शब्द सा जो है संयोग बस उसे पाया, बहुत ही साधारण ढंग से संयोग बस उसे पाया, यहाँ लिटरली मतलब शब्द सा, लिटरली मतलब शब्द सा, एट एन अमेरिकन, और उसको कहाँ पाया, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर पाया, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर उसकी पत्नी हैड बिन काइंड पीपल, कह रहा कि वे दयालु लोग थे, प्रोफेसर उसकी पत्नी दयालु लोग थे, एंग्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, कह रहा कि एंग्सियस वे लोग उत्सुक थे टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए, वे अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए कुछ करने को वे उत्सुक रहते थे, कौन, प्रोफेसर, और प्रोफेसर उसकी पत्नी, एंड द स्टूडेंट्स और छात्र दो बोर्ड यद्यपि उब जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उन लोगों ने उनकी इस दयालुता को स्वीकार कर लिया, सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ जो है प्राय हाना से कहा करता था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हाउस दैट नाइट, इसमें कह रहा है सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ प्राय हाना से कहा करता था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस दैट नाइट, कि वह उस रात जो है लगभग प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाला था, द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे, द फूड सो बैड, भोजन बहुत खराब था, द प्रोफेसर वाइफ सो वॉलेबल, और प्रोफेसर की पत्नी जो थी वो बहुत वॉलेबल थी, वॉलेबल मतलब बहुत बातूनी, जिसे टैक्टेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्टेटी बोलते हैं, टैक्टेटी में होता है बातूनी, उनकी पत्नी जो थी बहुत बातूनी थी, बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वह वहाँ गया और वहाँ पर उसने हाना को पाया, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्र, एंड हैड फेल्ट ह्यूज लव हर इफ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, एंड हैड फेल्ट, और उसने अनुभव किया कि ह्यूज लव हर, कि वह उससे प्रेम करेगा इफ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, यदि संभव हुआ तो, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, कह रहा है कि उसने उसके हाथ को अपने हाथ पे महसूस किया, एंड वॉज अवेयर, अवेयर मीन्स होता है अवगत होना, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लीजर, और वह उस आनंद से अवगत हुआ, इट गेव हिम, जो आनंद उसे प्राप्त हुआ, अर्थात उसने उसके हाथ को अपने हाथों पे महसूस किया और उसे प्राप्त होने वाले आनंद का अनुभव किया, इवन दो
दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ, कह रहा है कि यद्यपि जो है उनकी शादी को पर्याप्त इतना पर्याप्त समय तो हो गया था कि टू हैव द टू चिल्ड्रेन, कि उनके दो बच्चे हो गए थे, उनके शादी को इतना पर्याप्त समय था हो गया था कि उनके दो बच्चे थे। फार क्योंकि दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली, हिडलेसिंग मतलब होता है बिना सोचे समझे, हिडलेसिंग मतलब बिना सोचे समझे, फार क्योंकि दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, कह रहा है कि उन्होंने स्कूल में अपने काम को समाप्त कर लिया, एंड हैड कम टू जापान, और जापान आ गए, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उस उनके सदाओ के पिता ने उसे देख लिया, मतलब हाना को देख लिया, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तो शादी को तय कर दिया गया इन द ओल्ड जापानीज वे, कह रहा है कि पुरानी जापानी शैली में, मतलब उन्होंने सब वह जो है उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की, पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, फिर जापान आ गए, फिर जब सदाओ के फादर ने हाना को देख लिया तो पुराने जापानी तरीके से उनकी शादी तय कर दी गई। आल्दो, कह रहा है कि यद्यपि सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग, यद्यपि सदाओ और हाना ने सब कुछ बात कर ली थी, मतलब बात कर लिया था ओवर बिफोर हैंड, मतलब बहुत मतलब पहले ही सदाओ और हाना ने सब कुछ पहले ही बात कर ली थी, अर्थात वह कहने मतलब कि सब कुछ उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, अपनी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली थी कि शादी करना है, फिर क्या कैसे क्या करना है, सब कुछ प्लान कर लिया था। फिर कह रहा है कि देवर परफेक्टली हैप्पी, कह रहा है कि वे पूरी तरह से खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट आर्म, उसने जो है अपने गाल को उसकी भुजाओं पर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट, कह रहा है कि इसी क्षण, दैट बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों ने, मतलब हाना ने और सदाओ ने, सा समथिंग ब्लैक, उन्होंने कोई काली चीज़ देखी, कम आउट ऑफ द मिस्ट, कह रहा है कि धुंध से बाहर आते हुए, जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ये फिगर में है ना, कुछ ऐसा उन्होंने देखा, तो इसमें कह रहा है कि उन्होंने कोई काली चीज़ धुंध से बाहर आते हुए देखी। इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, कह रहा है कि ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वह ओशन से झटके से बाहर आ गया था, मतलब सागर ने उसे बाहर फेंक दिया था, देखिए फिर लिखा है फ्लंग, फेंक दिया था, इस तरह कहेंगे आप ना, दो बार फ्लंग लिखा है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, सागर ने उसे जो है झटके से बाहर फेंक दिया, फ्लंग फेंक दिया। इट सिम्ड, ऐसे लग रहा था कि टू इज फीट बाई ए ब्रीकर, ब्रीकर मीन्स होता है समुद्र तट के पास आने वाली बड़ी लहरें, ब्रीकर का मतलब होता है अ लार्ज वेव दैट रूल्स ऑन टू द बीच, बीच पर आने वाली एक बड़ी लहर, तो वहीं कह रहा है इसमें कि इट सिम्ड, ऐसे प्रतीत हुआ कि टू इज फीट बाई ए ब्रीकर, कि उसे जो है एक बड़ी लहर द्वारा पैरों के बल फेंक दिया गया। ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप, स्टेगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, स्टेगर मीन्स लड़खड़ाना, तो कह रहे वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, कह रहे कि उस धुंध में उसकी बॉडी जो है आउटलाइंड, मतलब उसके शरीर की रेखाएं दिखाई दी, मतलब यहाँ पर आउटलाइन क्यों लगाया है, इसलिए क्योंकि ये जो आप जिसे देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उसके शरीर की ये आउटलाइन मतलब वाह रेखा जो है दिखाई दे रही है कि जैसे कोई मनुष्य आदमी की भांति है। मैं कह रहा है कि हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, धूत कह रहा है धूत में उसके शरीर की रेखा दिखाई देती है। हिज आर्म्स एबव हिज हेड, उसके हाथ जो हैं उसके सिर पर होते हैं। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड, देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, इसमें कह रहा है कि कर्ल्ड, ये कर्ल्ड है, कर्ल्ड मतलब घूमती हुई, मिस्ट मीन्स धुंध, इसमें कह रहा है तब जो है घूमती हुई धुंध ने हाइड ही मगेन, उसे पुनः जो है ढक लिया, हाइड में छिपाना, उसे पुनः छिपा दिया या उसे पुनः ढक लिया। हु इज दैट, वह कौन है, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, मतलब हाना ने चिल्लाते हुए पूछा कि हु इज दैट, वो कौन है। सी ड्रॉप्ड सदाओस आर्म, कह रहा है कि उसने जो है सदाओ की बाहों को छोड़ दिया। एंड दे बोथ, और दोनों जो है लीन्ड, झुक गए ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, कह रहा है वरांदे की रेलिंग पर, दोनों वरांदे की रेलिंग पर झुक गए, और हाना ने पूछा कि वह कौन है। नाउ दे सा हिम अगेन, अब उन्होंने उसे पुनः देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मींस रेंगना, क्रॉलिंग मींस क्या होता है, क्रॉलिंग मींस रेंगना होता है,
इसमें कह रहा है कि द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, नीज में घुटना होता है, कह रहा है कि वो आदमी जो था अपने पैरों और घुटनों के बल रेंग रहा था। देन तब जो है दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस, तब उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर गया एंड लाई दिया और वहीं पर पड़ा रह गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सैट, सदाओ ने कहा कि अ फिशरमैन परहैप्स, शायद कोई मछुआरा हो सकता है, वॉश फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से गिर गया है। ही रैन क्यूकली, वो तेजी से दौड़ा डाउन द स्टेप, सीढ़ियों से नीचे, एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे हाना केम, और उसके पीछे हाना आई, हर वाइट स्लिप्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी जो स्लिप्स थी, स्लिप मींस आस्तीन होता है, उसकी चौड़ी आस्तीन जो है वह उड़ रही थी, उसकी चौड़ी आस्तीन उड़ रही थी, अ माइल आर टू अवे, एक या दो मील दूर, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, मतलब उस बीच के दोनों तरफ एक या दो मील दूर जो है, देर वर फिशिंग विलेज, कह रहा है कि मछुआरों के गांव थे, बट लेकिन हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर केवल कह रहा है कि ये केवल खाली जो है एंड लोनली कॉस्ट, एक मतलब एकांत समुद्री तट था, लेकिन यहाँ पर जो है निर्जन और एकांत या अकेला समुद्री तट था। डेंजरस विथ रॉक्स मतलब जो खतरनाक चट्टान से भरा हुआ था। दी सर्फ, सर्फ का मतलब होता है फेन, सर्फ का मतलब फेन, जो समुद्र के किनारे जो सफ़ेद सी होती है गांच की तरह, लेकिन द सर्फ बियॉन्ड द बीच, कराए बीच से दूर फेन पर वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, जो चट्टाने थी मतलब नुकीली थी, मतलब बीच से दूर फेन पर नुकीली चट्टाने थी। समहाउ, किसी तरह द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी तरह वह मनुष्य जो है उनके बीच से निकल के आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, कह रहा है कि वह जो है निश्चित रूप से जख्मी हो गया था, या ऐसे कह सकते हैं कि वह अवश्य ही बुरी तरह से घायल हो चुका होगा। दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वॉज सो, कह रहा है कि दे सा, उन्होंने देखा, व्हेन, जब दे केम टुवर्ड्स हिम, जो वे लोग जो है उसकी तरफ आए, मतलब कौन, हाना और सदाओ जब उसकी तरफ आए, उस आदमी की तरफ आए, तो उन्होंने देखा कि दैट इंडीड इट वॉज सो, कि यह ऐसा ही है, मतलब जैसा उन्होंने सोचा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये पास आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, कह रहा है कि उसके एक तरफ जो है सैंड लगी हुई थी, मतलब रेत, सैंड मींस रेत, एक तरफ रेत लगी हुई थी। कह रहा है कि हैड ऑलरेडी स्टैन, स्टैन मींस होता है धब्बा, स्टैन मींस क्या होता है, धब्बा होता है। स्टैन ऑफ रेट का मतलब, स्टैन ऑफ रेट मतलब खून के धब्बे, और सोकिंग का मतलब, सोकिंग मतलब सोखना होता है। उसको इस तरह कहेंगे कि द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसकी एक तरफ जो रेत थी, हैड ऑलरेडी स्टैन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, कह रहा है कि उस पर जो है सोखे हुए खून के धब्बे लगे हुए थे, अर्थात जो रेत थी, एक तरफ रेत लगी हुई थी और जो बॉडी से जो ब्लड निकल रहा था, तो जो रेत थी उसको सोख रही थी। ही इज वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लैम्ड, सदाओ ने आश्चर्य से कहा कि इज वाउंडेड, वह घायल है। ही मेड ए हेस्ट टू द मैन, हेस्ट मतलब जल्दबाजी होता है, वह जल्दबाजी में या तेज से उस आदमी की तरफ गया। हुले, जो पड़ा हुआ था मोशनलेस, गतिहीन या स्थिर अवस्था में, हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा जो है रेत में गड़ा हुआ था, मतलब उसका चेहरे के बल जो है रेत में स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ था, मतलब कोई हलचल उसी बॉडी में नहीं हो रही थी। एन ओल्ड कैप, और एक पुरानी टोपी जो है स्टक टू हिज हेड, उसके सिर पर थी, सोक्ड विद सी वाटर, जो समुद्र के पानी से क्या हो गई थी, गीली हो गई थी। सोक मीन्स सोखना होता है, जिसने समुद्र के पानी को सोख लिया था, या जो समुद्र के पानी से गीली हो गई थी, उसके सिर पर जो टोपी थी वो समुद्र के पानी से भीगी हुई थी, ऐसे कह सकते हैं। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, कह रहा है कि ही वॉज इन वेट, उसके वेट मतलब भीगे, और रैक्स मतलब होता है चीथड़े, गारमेंट मीन्स कपड़े या पोशाक, तो कह रहा है कि उसके भीगे और चीथड़े हुए कपड़े थे, मतलब उसके कपड़े जो है चीथड़े हो गए थे और भीगे हुए थे। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक गया। हाना एट हिज साइड, उसके बगल में जो हाना थी, एंड टर्न द मैन सेड, कह रहा कि, और उसने जो है इसमें कह रहा है कि सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक गया, हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में थी, एंड टर्न द मैन सेड, और उसने मनुष्य के सिर को पलटा, टर्न किया। दे सा द फेस, उन्होंने चेहरे को देखा।
अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना ने धीरे से कहा कि अंग्रेज आदमी, अंग्रेज व्यक्ति, या अंग्रेज भी कर सकते हैं या गोरा आदमी ऐसे कर सकते हैं। हाना जो है विस्पर्ड ने धीरे से कहा, बुदबुदाई कि गोरा आदमी। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये गोरा आदमी है। द वेट कैफ फेल अवे एंड देर वॉज हिज वेट एलो हेयर लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ एलो बियर्ड। इसमें कराया है कि द वेट कैफ फेल अवे, जो भीगी टोपी थी वह जो है गिर गई उसके सिर पर से। एंड देर वॉज हिज वेट एलो कराया और उस और एक वेट भीगी हुई एलो हेयर, उसका पीला बाल लॉन्ग लंबा, मतलब उसका जो है पीला लंबा और भीगा हुआ बाल था। एज दो मानो कि, मतलब उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि फॉर मेनी वीक्स, कि कई सप्ताह से इट हैड नॉट बीन कट, इसको काटा नहीं गया था। उसके बाल जो थे लंबे पीले भीगे हुए बाल थे, ऐसे लग रहा था जैसे कई दिन से इसको काटा नहीं गया है। एंड अपॉन हिज यंग, और उसके यंग युवा एंड टॉर्चर्ड फेस, टॉर्चर फेस मतलब पीड़ित चेहरा, उसके युवा और पीड़ित चेहरे पर वह सिर्फ एक भद्दी जो है एलो बियर्ड, पीले रंग की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह अचेत था, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग, और उसे कुछ मालूम नहीं चला दैट दे डिड फॉर हिम, जो कुछ भी उन लोगों ने उसके लिए किया, अर्थात सदा और हाना ने जो कुछ भी उसके लिए किया उससे कुछ मालूम नहीं चला। नाउ सदाओ रिमेंबर द वाउंड, वाउंड मीन्स होता है घाव, कहना कि अब सदाओ को उससे घाव की याद आई, मतलब उससे घाव का ख्याल आया। एंड विथ एक्सपर्ट फिंगर, और अपने एक्सपर्ट उंगलियों से, एक्सपर्ट मतलब अपने दच उंगलियों से, क्योंकि वह जो है एक डॉक्टर था, तो कराए और वो अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से, अपनी दच उंगलियों से या अपनी प्रवीण उंगलियों से, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वो इसे खोजने लगा, किसको, घाव को। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, ताज़ा खून बहने लगा एट इस टच, उसके छूने से ताज़ा खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ इस लोअर बैक, कहता कि उसकी निचली कमर के राइट साइड में, मतलब दाहिनी तरफ। सदाओ ने देखा दैट की अ गन वाउंड, कि एक गन बंदूक का, अ गन वाउंड बंदूक की गोली से बना हुआ घाव, ठीक है, हैड बीन रीओपेंड, मतलब बंदूक से जो घाव बना हुआ था, बंदूक की गोली से जो घाव बना हुआ था वह रीओपेंड हो गया था, अर्थात पुनः खुल गया था। द फ्लेश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और पाउडर के कारण जो है जो फ्लेश, जो मांस था वहाँ का ब्लैकेंड हो गया था, मतलब काला हो गया था, मतलब जो गन पाउडर होता है उससे जो है वह स्थान काला पड़ गया था। Sometimes, not many days ago, बहुत दिन नहीं हुए होंगे। द मैन हैड बीन शॉट, आदमी को गोली मारी गई है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका टेंडेड मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इसका इलाज नहीं हुआ है। इट वॉज ए बैड चांस, यह एक बुरा संयोग ही था दैट की द रॉक हैड स्टक द वाउंड, कि जो चट्टान थी वह घाव से टकरा गई थी, यहाँ स्ट्रक का मतलब टकराना। यह बुरा संयोग ही था कि जो चट्टान थी वह घाव से टकरा गई थी। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलमन वॉइस, कह रहा है कि ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, कैसे उसका खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से कहा, अगेन पुनः धीरे से कहा, इन ए सोलम वॉइस, एक गंभीर आवाज में, हाना ने गंभीर आवाज में कहा कि उसका कितना खून बह रहा है। द मेस स्क्रीन देम नाउ, मिस मिस धुंध, कह रहे धुंध ने क्या किया, स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, उन्हें अब पूरी तरह से ढक लिया, उन्हें पूरी तरह से घेर लिया धुंध, मतलब बाहर से लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस समय नो वन केम बाई, वहाँ पर कोई आता नहीं था, और दिन के इस समय वहाँ पर कोई नहीं आता था। द फिशरमैन, और जो मछुआरे थे, हैड गॉन होम, वे घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। देखिए यहाँ पर जो ये बीच कॉम्बर्स है, ठीक है, बीच कॉम्बर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोस हु सर्च द बीचेस फॉर सेल्स एंड वैल्यूएबल्स, इसका मतलब होता है कि सीप या कीमती वस्तुओं की तलाश में किनारे पर घूमने वाले लोग, या ऐसे कह सकते हैं कि बीच को तलाशने वाले, बीच को खंगालने वाले लोग, या बीच को तलाशने वाले लोग, ठीक है। तो इसमें कहना है द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे थे घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस
बीच कॉम्बर्स और जो बीच को खंगालने वाले जो इक्के दुक्के लोग थे जो आते थे सीप या और मूल्यवान चीज़ें मिल जाएं उनकी खोज में जो लोग घूमते रहते थे, कह रहे हैं उनका चांस वुड हैव कंसिडर्ड द डे 18। उन लोगों ने मान लिया था कि नहीं जो दिन का अब अंत हो गया है। इसको इस तरह कह सकते हैं कि मछुआरे घर जा चुके थे और बीच को खंगालने वाले इक्के दुक्के लोगों ने भी अब दिन का अंत मान लिया था। यहाँ जो चांस लगा है, चांस का मतलब इक्के दुक्के और बीच कंबर्स का मतलब बीच को खंगालने वाले लोग। बीच को खंगालने वाले लोग का मतलब क्या होता है? बीच पर जो सीप या अन्य मूल्यवान वस्तुएं होती है उसकी खोज में जो लोग घुमा करते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर मटम इज बुदबुदाना, मटम इज बुदबुदाना या धीरे से कहना। तो सदाव ने धीरे से कहा, क्या कहा उसने, कहना कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम लोग इस आदमी का क्या करेंगे। बट हिज ट्रेंड हैंड्स, लेकिन उसके प्रशिक्षित हाथ हो सिम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऑफ देयर ओन विल, ओन विल मतलब अपनी इच्छा अनुसार, मतलब अपने आप, टू बी डूइंग कुछ ऐसा करने लगे कि व्हाट दे कुड डू, कि उसके हाथ जो है अपने आप, टू बी डूइंग कुछ ऐसा करने लगे व्हाट दे कुड डू टू स्टेंस द फियरफुल ब्लीडिंग, ताकि वह उस भयानक रक्तस्राव को रोक सके। देखिए सदावन धीरे से कहा कि अब हम इस आदमी का क्या करेंगे, लेकिन वह कह रहा है, लेकिन परंतु उसके जो प्रशिक्षित हाथों ने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा किया कि वह उस भयभीत रक्तस्राव को रोक सके, मतलब कुछ ऐसा कर रहा था कि उसके जो रक्तस्राव है उसका वह रुक जाए। ही पैक्ड उसने भर दिया, पैक में भर दिया द वाउंड, घाव को विद द सीमॉस मतलब समुद्र की काई, वह समुद्र की काई से उसने घाव को भर दिया। दैट स्ट्यूड, कराया कि दैट स्ट्यूड जो बिखरी हुई थी, द बीच पर जो बिखरी, कराया कि बीच पर जो समुद्र की काई बिखरी हुई थी उसने उस काई से घाव को भर दिया। द मैन मोंड, वह आदमी कराहा विथ पेन, दर्द से, इन स्टूपर अपनी मूर्छा में, स्टूपर मीन्स मूर्छा, अपनी मूर्छावस्था में या अपनी बेहोशी में वह आदमी दर्द से कराहा। बट ही डिड नॉट ऑकेन, लेकिन वह जागा नहीं, आके मतलब जागना। The best thing that we could do would be to put him back in the sea. उसने कहा सदाओ ने कि the best thing, सबसे अच्छी चीज, that we could do, जो हम कर सकते हैं वो यह होगा कि would be to put him back in the sea. उसने कहा कि the best thing, वो सबसे अच्छी चीज, that we could do, जो हम कर सकते हैं would be, यह होगा कि to put him back in the sea, कि हम उसे वापस समुद्र में डाल दें। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा, answering himself, स्वयं को उत्तर देते हुए उसने कहा। Now that the bleeding was stopped for the moment, करा कि अब जो है, that the bleeding, जो bleeding हो रही थी, जो घायल व्यक्ति था, जो खून बह रहा था, करा was stopped for the moment, करा उस क्षण बंद हो गया था। He stood up, वह खड़ा हुआ, and dusted the sand, और रेत को झाड़ा, फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथों से, और रेत को अपने हाथों से झाड़ा। यस, हाँ, अनडाउटेडली दैट वॉज बी बेस्ट, हाना सेट स्टीडली, स्टीडली मतलब स्थिरतापूर्वक, स्टीडली का मतलब है स्थिरतापूर्वक या स्थिर भाव से। तो इसमें कह रहा है कि हाना ने कहा कि यस, हाँ, अनडाउटेडली, निसंदेह रूप से उसने कहा कि हाँ, That would be best, यही सबसे अच्छा होगा, मतलब कि हम उसे समुद्र में डाल दें, यही सबसे अच्छा होगा। हाना सेड, हाना ने कहा स्टेडली, मतलब एक स्थिर भाव से। बट सी कंटिन्यूड, लेकिन वह निरंतर जो है, टू स्टे डाउन, एक तक देखती रही एट द मोशनलेस मैन, कराया कि उस स्थिर मनुष्य को, उस निश्चल मनुष्य को, मोशनलेस मतलब निश्चल, स्थिर या गतिहीन, क्योंकि वह बेहोश पड़ा हुआ था तो मोशनलेस था, तो वह जो है उस निश्चल मनुष्य को या उस गतिहीन मनुष्य को या उस स्थिर मनुष्य को वह एक टक देखती रही। उसने कहा तो कि नहीं, इसे हम समुद्र में फेंक दें, लेकिन वो फेंकना, लेकिन उसकी आत्मा नहीं कह रही थी कि उसे समुद्र में फेंक दें। इफ यू शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड। इसमें कह रहा है कि इफ, यदि हम जो है, इफ यू शेल्टर मतलब होता है आश्रय देना, करा कि यदि हम किसी गोरे को आश्रय देते हैं इन आवर हाउस, अपने घर में, तो वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमको, हमें जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और ये टर्न ओवर का मतलब सौंप देना,
और प्रिजनर मतलब कैदी, और फिर कह रहा है कि यदि हम उसे कैदी की तरह सौंप देते हैं ही वुड सर्टेनली डाई, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सदाव सेठ, सदाव ने कहा यदि हम उसे जो है अपने घर में आश्रय देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम उसे कैदी के रूप में सौंप देते हैं जापानी गवर्नमेंट को तो वह निश्चित रूप से मरेगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू सी, हाना सेठ। और हाना ने क्या कहा, उसने कहा कि द काइंडेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ या सबसे दयालुता भरी चीज़ या सबसे अच्छी चीज़ उड़ बी ये होगा कि टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कि उसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए, ये हाना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई हिला नहीं अपने स्थान से, मतलब उसको उठा करके समुद्र में डाल ले, कोई अपने स्थान से हिला नहीं, चाह दोनों रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है बड़ी दुविधा में है कि यदि हम घर पर रखते हैं इसको तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और यदि इसको जो है किस जापानी गवर्नमेंट को सौंपा जाता है तो निश्चित रूप से इसे मार दिया जाएगा। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. इसमें कह रहा है कि they were staring, वे घूर रहे थे, stare means घूरना, with a curious, कह रहा है कि एक विचित्र repulsion, नफरत के साथ, repulsion means नफरत, वे एक विचित्र नफरत के साथ घूर रहे थे upon the inert figure, inert मतलब निश्चल या स्थिर, कह रहा है उस स्थिर शरीर को, figure मतलब वहाँ से उसके शरीर से, उसकी बॉडी से। What is he? वह कौन है? हाना विस्मित, हाना ने धीरे से कहा कि वह कौन है? There is something about him that looks American. वो कह रहे कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे यह एक अमेरिकन लग रहा है। उसने कहा कि there is something about him, उसके अंदर कुछ ऐसा है that looks American, जिससे वह अमेरिकन दिखता है। सदाव सेठ, सदाव ने कहा, he took up the battered cap. बैटर्ड का मतलब फटी हुई, बैटर्ड का मतलब फटी हुई, करेक्ट, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने फटी हुई टोपी उठाई, यस, कर रहा है हाँ, देयर ऑलमोस्ट गॉन, क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है कि देस, कर रहा है हाँ, देयर ऑलमोस्ट गॉन, कर रहा है कि वहाँ लगभग जो है मिटे हुए, वॉज द फेंट लेटरिंग, मतलब हल्के हल्के अक्षर थे, लिखा हुआ था अ सेलर, एक नाविक, ही सेड, उसने कहा कि इस अनाविक, वहाँ जो उसकी टोपी पर मतलब अधिकांश मिटा हुआ था और हल्के अक्षर में लिखा गया था नाविक, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, अमेरिकी युद्धपोत का, मतलब एक अमेरिकी युद्धपोत का एक नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, उसने इसे पढ़ा, क्या पढ़ा, सो पढ़ा उसने कि यूएस नेवी, द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यह आदमी जो है यह युद्ध का बंदी है, युद्ध बंदी है, मतलब युद्ध में इसको कैद किया गया है, या युद्ध का यह कैदी है। ही हैज स्केप्ड, स्केप माने बस निकलना, कह रहा है कि यह बस निकला है, हाना क्राइट सॉफ्टली, हाना ने धीरे से कहा, एंड दैट इज वाई, उसने कहा कि और यही कारण है कि ही साउंडेड, वह घायल है, तो वहाँ वह उसे बंदी बनाया गया होगा और वहाँ से भागा होगा और उसे गोली मारी होगी, मारी गई होगी। इन द बैक सदाव एग्रीड, कह रहा है कि और पीछे से सदाव भी सहमत हो गया, मतलब उस बात से सदाव भी सहमत हो गया। दे हेजिटेटेड, कह रहा है कि वे दोनों जो है हिचकिचाएं, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते ही। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब निश्चय के साथ, हाना ने निश्चय के साथ कहा, रिजोल्यूशन मतलब जो हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, उसने कहा कि कम और वे एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। देखिए यहाँ पर कम लिखा है, लेकिन यहाँ पर कम का मतलब थिंक से है ना, सोचो, ठीक है, करें कि कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, उसने कहा कि क्या हम उसे वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ आई एम एबल, तो सदाव ने कहा कि इफ आई एम एबल, यदि मैं ऐसा कर सकूं, आर यू, तो क्या तुम ऐसा कर सकोगी, सदाव ने पूछा कि यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो। नो, हाना सेड, हाना ने कहा कि नहीं, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, उसने कहा कि लेकिन तुम्हें ये अकेले करना होगा। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव जो है पुनः हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज विचित्र बात है कि, ही सेड, उसने कहा कि विचित्र बात है कि इफ द मैन वर होल
आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो होल है, चूंकि जो होल का मतलब होता है, होल का मतलब संपूर्ण होता है, होल का मतलब जो है संपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि यदि वो आदमी ठीक ठाक होता, मतलब घायल न होता, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि द डिस्टेंस थिंग इज, विचित्र बात ये है कि ही सेड, उसने कहा कि इफ द मैन वर होल, यदि व्यक्ति ठीक ठाक होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, तो मैं उसे पुलिस को दे सौंप सकता था विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई की। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसके बारे, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। ही इज माई इनेमी, वह मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई इनेमी, सभी अमेरिकन हमारे शत्रु हैं। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, कहना कि वह तो एक कॉमन फेलो है, मतलब वह तो एक साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, उसने कहा कि तुम देखो उसका चेहरा कितना मूर्खता भरा है, या मूर्ख की तरह है। बट सिंस ही इज वाउंडेड, लेकिन जैसा कि वह घायल है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, लेकिन जैसा कि वह घायल है, तुम भी उसे जो है वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। हाना सेड, हाना ने कहा, देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, तब केवल जो है एक ही चीज करने के लिए है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें उसे घर में ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा कि लेकिन नौकर, मतलब उनका कहने का मतलब कि यदि घर में नौकर है, यदि नौकरों को मालूम चलेगा तो क्या होगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम, उसने कहा कि हम उन्हें बता देंगे कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम लोग उसे पुलिस को देने का इरादा रखते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम लोगों को साफ साफ हमें बताना होगा कि हमारा इरादा उन्हें जो है पुलिस को सौंपने का है। एस इंडीड वी मस्ट, उसने कहा कि जैसा कि हमें वास्तव में करना चाहिए, हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह एक अमेरिकन है और हमारा एनिमी है। उसने कहा कि एस इंडीड वी मस्ट, सदाओ, उसने कहा सदाओ हमें ऐसा करना भी चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजिशन, उसने कहा कि हमें तुम्हारे बच्चों के बारे में, एंड योर पोजिशन, और तुम्हारे पोजिशन, तुम्हारी पद के बारे में, तुम्हारी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। उसने कहा कि हमें जो है, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन, हमें बच्चों के बारे में, एंड योर पोजिशन, आप और तुम्हारी स्थिति के बारे में, मतलब तुम्हारी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, कह रहा कि यह जो है हम सभी को खतरे में डाल देगा, इफ़ यू डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। उसने कहा कि यदि जो है हम सभी को खतरे में डाल देगा, इफ़ यदि वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हम इसे जो है एक युद्ध बंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं, नहीं देते हैं, तो हम सभी जो है खतरे में आ जाएंगे। सर्टनली सदाओ अग्रीड, सदाओ सहमत हो गया, उसने कहा कि सर्टनली, निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचूंगा, या ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता। फिक्र है कि दस एग्रीड, इस प्रकार जो है वे सहमत हो गए। टुगेदर, साथ साथ, दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया। इट वॉज वेरी लाइट, यह बहुत हल्का था, लाइक ए फॉल, एक पक्षी की भांति, फॉल मीन्स पक्षी, यह जो है एक पक्षी की भांति बहुत हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टॉप, जिससे आधा भूखा रखा गया हो, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मतलब तो एक पक्षी की तरह हल्का था, ऐसा पक्षी जिसे कि जो है एक लंबे समय तक आधा पेट ही भोजन दिया गया हो। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर एंड स्केल्टर, और इससे केवल पंख और ढांचे ही बचे। तो कुछ को कह रहा है कि वह बहुत हल्का था, एक ऐसे पक्षी की तरह जिसे लंबे समय तक आधा पेट भोजन ही मिला हो और सिर्फ पंख और ढांचा ही रह गया हो। स्केल्टन मतलब जो स्केल्टन ढांचा बोलते हैं, जो हड्डियों का ढांचा बचा रहता है उसको स्केल्टन बोलते हैं, कंकाल। फिर है आगे, करे कि सो इस प्रकार हिज आर्म्स हैंगिंग में सोता लटकना, इस प्रकार उसकी लटकती हुई भुजाओं के साथ, मतलब जैसे उन्होंने उसको उठाया तो बेचारा बेहोश था, उसकी बाहें जो हैं नीचे की तरफ लटक गई, तो वहीं कह रहा है कि उसकी लटकती हुई भुजाओं के साथ, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, कह रहे वे उसे सीढ़ियों के ऊपर ले गए, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और फिर जो है उसे वह उस घर के बगल वाले दरवाजे से ले गए। दिस डोर ओपेंड इनटू ए पैसेज, और यह जो दरवाजा था यह एक पैसेज में, मतलब एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज, और एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम,
फिगरकियन डाउन द पैसेज और पैसेज से होते हुए दे कैरीड द मैन उन्हें वह जो है उस व्यक्ति को ले गए टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम एक खाली पड़े कमरे की तरफ इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ फादर यह जो है यह सदाओ के पिता का बेडरूम था एंड सिंस हिज डेथ और उनकी मृत्यु के बाद से इट हैड नॉट बीन यूज्ड इसका प्रयोग नहीं हो रहा था दे लेड द मैन उन्होंने आदमी को लिटा दिया ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर का मतलब मोटे गलीचे वाला फर्श क्या होगा डीपली मैटेड फ्लोर मतलब मोटे गलीचे वाला फर्श उन्होंने उसे जो है मोटे गलीचे वाले फर्श पे लिटा दिया एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन कह रहा है यहाँ पर जो है सब कुछ जैपनीज थी टू प्लीज द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए प्लीज मीन्स खुश करना किसको खुश करने के लिए मतलब सदाओ के पिता को खुश करने के लिए उनके कमरे में सब कुछ जैपनीज थी Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed? कभी भी sit on a chair किसी ऐसी कुर्सी पर बैठे और sleep या किसी ऐसे बिस्तर पर सोए जो कि foreign रहो मतलब foreign का रहा हो मतलब वह जो है अपने घर में कभी भी किसी विदेशी कुर्सी या बिस्तरे पर नहीं सोए क्योंकि जो जापानीज लोग होते हैं बहुत देशभक्त होते हैं वो अपने देश का सामान ही यूज़ करना चाहते हैं और किसी दूसरे देश का नहीं भले ही उनके देश का सामान घटिया और महंगा क्यों ना हो लेकिन वह अपने देश का ही यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत बड़े देशभक्त होते हैं तो वही कह रहा है कि उस वृद्ध की खुशी के लिए यहाँ की हर वस्तु जापानी थी क्योंकि वह अपने घर के अंदर न तो कभी किसी विदेशी कुर्सी पर बैठा और न ही विदेशी बिस्तर पर सोया हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्वेल्ट हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड हाना जो है हाना गई कहाँ गई टू द वॉल कबर्ड मतलब दीवार में बनाई हुई अलमारी या दीवार में लगी अलमारी भी कह सकते हैं तो हाना जो है दीवार में लगी हुई अलमारी तक गई एंड स्लिड बैक अ डोर और एक दरवाजा खोला एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट और एक सॉफ्ट मतलब एक नर्म जो है क्विल्ट में रजाई और एक या कंबल भी कह सकते हैं और एक नर्म कंबल निकाला या रजाई निकाला ठीक है सी हेजिटेटेड वो कह रहा है कि सी हेजिटेटेड वो हिचकिचाई द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क द क्विल्ट कह रहा है जो रजाई थी वॉज कवर्ड वह ढकी हुई थी विथ फ्लावर्ड सिल्क कह रहा है फूलदार रेशम से वह जो रजाई थी फूलदार रेशम से ढकी हुई थी एंड द लाइनिंग और उसका जो अस्तर था वॉज प्योर वाइट सिल्क कह रहा है कि शुद्ध सफ़ेद रेशम का था उसका जो अस्तर था वो इसलिए हिचकिचाई क्योंकि ये जो है सदाओ के पिता का था और चूँकि वह जो घायल व्यक्ति था वह एक अमेरिकन था जापानी लोगों का दुश्मन था तो उसे थोड़ा हिचकिचाहट होती कि हम इसके लिए जो है अपने घर के बुजुर्ग की चीज़ जो है इसको दे रहे हैं सो डर्टी वह बहुत गंदा है सी मर्मर्ड इन डिस्टेस मर्मर मीन्स बुदबुदाना या बड़बड़ाना होता है इन डिस्टेस मतलब खींचते हुए उसने खींचते हुए बड़बड़ाया कि वह बहुत गंदा है यस हाँ ही हैड बेटर बी वॉश्ड उसने हाँ अच्छा होगा कि हम इसे नहला दें सदाओ एग्रीड सदाओ जो है सहमत हो गया इफ यू विल फेच हॉट वाटर फेच मीन्स होता है लाना फेच मीन्स लाना होता है सुना कि इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर ये तुम गर्म पानी ला दो आई विल वॉश हिम तो मैं उसे नहला दूंगा आई कॉन्ट बियर फॉर यू टू टच हिम सी सेड तो उसने कहा कि आई कॉन्ट बियर मैं ये सहन नहीं कर सकती कि आई कॉन्ट बियर मैं सहन नहीं कर सकती कि फॉर यू टू टच हिम कि तुम उसे स्पर्श करो मैं नहीं चाहती कि तुम उसे छुओ वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर कह रहा है कि उसने कहा कि वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट हमें नौकरों को बताना होगा कि ही इज़ हियर कि वह यहाँ पर है मतलब इसके बारे में हमें नौकरों को सूचना देनी होगी आई विल टेल यूमी नाउ मैं अब यूमी से बता दूंगी शी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर ए फ्यू मिनट वह कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देगी एंड शी कैन वॉश हिम और वह उसे नहला देगी यहाँ लीव मीन्स छोड़ना होता है लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट सदाओ ने एक क्षण विचार किया लेट इट बी सो उसने कहा कि ऐसा ही सही ही अग्रीड वह सहमत हो गया
यू टेल यू मी एंड आई विल टेल दी अदर्स। उसने कहा कि जो है उसने कहा कि यू टेल यू मी, तुम यू मी से बता देना एंड आई विल टेल दी अदर्स और मैं दूसरों से बता दूंगा। बट दी अटर पैलर, लेकिन अटर पैलर करें लेकिन अत्यधिक पीलापन ऑफ द मैंस अनकॉन्सियस फेस करें उस बेहोश आदमी के चेहरे का, उस बेहोश आदमी के चेहरे का अत्यधिक पीलापन मूव्ड हिम, उससे प्रेरित करता है फर्स्ट सबसे पहले टू स्टूप झुक जाने के लिए एंड फील हिज पल्स, और उसकी पल्स मतलब उसकी नाड़ियों को नाड़ियों को टटोलने के लिए मतलब नाड़ियों को देखने के लिए मतलब। लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसका चेहरा अत्यधिक पीला होता है, तो उसे लगता है नहीं मैं जो है सबसे पहले इसकी नाड़ियों को देखूँ क्या नब्ज इसकी चल रही कि नहीं। इट वॉज फैंट, यह धीमी थी मतलब उसकी नब्ज जो है धीमी चल रही थी। बट इट वॉज देयर, लेकिन इसकी नब्ज चल रही थी मतलब धीमी चल रही थी लेकिन चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, फिर सदाओ ने क्या किया कि अपने करा कि ही पुट हिज हैंड, उसने अपने हाथों रखा अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, करा कि उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर उसने अपने हाथ को रखा। द हार्ट टू वॉज एट ए लाइफ, करा हृदय भी हृदय जो है अब भी जिंदा था। ही विल डाई, तो सदाओ ने कहा कि ही विल डाई, वह मर जाएगा। अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा, कंसिडरिंग विचार करते हुए उसने कहा, द क्वेश्चन इज, फिर उसने कहा कि प्रश्न ये है कि वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कि क्या वह इस तरह भी नहीं मरेगा। वह सोच रहा है कि क्या यदि मैं ऑपरेशन करूँ तो क्या गारंटी है किसी ये बच जाएगा, क्या यह ऐसे नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर से चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसने कहा कि इसे बचाने की कोशिश मत करो। वॉट, क्या होगा इफ ही शुड लीव, यदि वह बच जाए, यदि वह जिंदा हो जाए तो क्या होगा। वॉट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई, सदाओ ने उत्तर दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वॉट इफ, क्या होगा इफ ही शुड डाई, यदि वो मर जाए, यदि वो मर जाएगा तो क्या होगा। ही स्टूड, वह खड़ा रहा गेजिंग एक टक देखते हुए, डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस स्थिर व्यक्ति को एक टक देखते हुए वह खड़ा था। दिस मन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण होता है और वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति होती है। तो उसने क्या कहा, सदाओ ने कहा कि दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस व्यक्ति के पास असाधारण जीवन शक्ति रही होगी, आर नहीं तो ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो वह अब तक मर गया होता, बाय नाउ मीन्स अब तक वह मर गया होता अगर इसके पास असाधारण शक्ति नहीं रही होती। बट देन, लेकिन तभी जो है ही वॉज वेरी यंग, सॉरी बट देन, लेकिन तभी वो कह रहा है कि ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत युवा है, परहेप्स नॉट एट 25, शायद 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना ने पूछा कि यू मीन, तुम्हारा मतलब है कि डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, वह ऑपरेशन से मर जाएगा। यस, सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा कि हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, कंसीडर मीन्स विचार करना, डाउटफुल मीन्स संदेहपूर्वक, तो हाना ने इस बात पर संदेहपूर्वक विचार किया या इस बात पर संदेहपूर्वक सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब उसने उत्तर नहीं दिया, सदाओ टर्न्ड अवे, तो सदाओ मुड़ गया, मतलब सदाओ दूसरी तरफ देखने लगा। एट एनी रेट, कुछ भी हो, समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, उसके साथ तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ही सेड, उसने कहा कि कुछ भी हो लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, या इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड फर्स्ट, और सबसे पहले ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले इसको नहलाया जाना चाहिए। ही वेंट क्यूकली, क्यूकली मीन्स है तेजी से, ही वेंट क्यूकली आउट ऑफ द रूम, वह तेज से कमरे से बाहर चला गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट, वह नहीं चाहती, शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह नहीं चाहती, वह जो है उस गोरे व्यक्ति के साथ अकेले रहना नहीं चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट, वह प्रथम व्यक्ति था, कौन, जो वह घायल व्यक्ति था। सी हैड सीन, जिसे उसने देखा था, सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है अमेरिका में होती है, सदाओ और हाना की पढ़ाई अमेरिका में होती है, तो वहीं करा है। जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, तो वो प्रथम व्यक्ति था, मतलब वो प्रथम अमेरिकी था जिसे उसने देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज, करा कि एंड नाउ, अब जो है ही सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज, कि हाना को उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, हाना को उन लोगों से कुछ भी अब लेना देना नहीं है। होम सी हैड नोन देयर, जिसे वह वहाँ पर जानती थी, मतलब वह जब से अमेरिका से आई है तब से वह जो है जिसे भी वह अमेरिका में जानती थी, अब उसे उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है।
और यह जो घायल व्यक्ति है प्रथम अमेरिकी था, जिसे उसने उस पहली बार देखा था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था। हियर ही वॉज हर एनिमी, उसने कहा कि यहाँ पर वह उसका शत्रु है। अमिनेस, उसने कहा कि अमिनेस एक खतरा है, लिविंग और डेड, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसने कहा कि चाहे जिंदा या मुर्दा यह जो है उसके लिए खतरा है। सी टर्न टू द नर्सरी, नर्सरी में होता है बच्चों का कच्छ, चिल्ड्रेंस रूम, तो कह रहे हैं कि सी टर्न टू द नर्सरी, वो बच्चे की कच्छ की तरफ मुड़ी एंड कॉल्ड यूमी, और यूमी को बुलाई। बट द चिल्ड्रेन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड सी हैड टू गो इन, और उसे अंदर जाना पड़ा फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड स्माइल एट देम, और उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो है उस बेबी बॉय के साथ, उस लड़के के साथ उसे खेलना पड़ा, हाना को उनके साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, अब उसका जो बेबी बॉय है अब वह लगभग 3 महीने का है। कह रहा है कि ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर, ओवर में सुपर होता है, कह रहा है कि बच्चे की सॉफ्ट, कह रहा है कि नर्म और ब्लैक हेयर और काले बालों के ऊपर से सी मोशनड, उसने इशारा किया विथ हर माउथ, अपने मुँह से, उसने कहा कि यूमी कम विथ मी, यूमी तुम मेरे साथ आओ। चूँकि मोशन मीन्स गति होता है, यहाँ मोशन मीन्स गति होता है, तो यही कह रहा है कि सी मोशन विथ हर माउथ, मतलब उसने अपना मुंह हिलाकर जो है इशारा किया कि यूमी जो है मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, उसने कहा कि आई विल पुट द बेबी टू बेड, उसने कहा कि मैं बच्चे को बेड पर सुला दूंगी। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया, ही इज रेडी, वो तैयार है। सी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नेक्स्ट टू द नर्सरी मतलब नर्सरी बच्चों की कच्छ के बगल वाला बेडरूम, ठीक है। उसमें कह रहा है कि सी वेंट विथ यूमी, वह यूमी के साथ गई, कहाँ गई, इन टू द बेडरूम, कमरे में, और कमरा कहाँ था, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो बच्चों वाले कच्छ के कमरे में बगल में था, तो ऐसे कर सकते हैं कि वह जो है बच्चों वाले कमरे के कच्छ के बगल वाले बेडरूम में वह गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वह वहाँ पर बच्चे को अपनी बाहों में लिए खड़ी थी। वेल, जबकि यूमी ने फैला दिया द स्लीपिंग क्विल्स, सोने वाली रजाई को, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और बच्चे को उनके बीच लिटा दिया। यहाँ जो स्लीपिंग क्विल्स है, सोने वाली रजाई या सोने वाला गद्दा, दोनों कह सकते हैं। देन हाना, कह रहा है कि देन हाना लेट द वे क्यूकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, कह रहा है तब हाना जो है, कह रहा है लेट द वे, लीड का लेड है, वे क्यूक, कह रहा है तेजी से एंड सॉफ्टली, धीरे से जो है, टू किचन, उसे किचन में लेकर आई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, दोनों नौकर जो थे वो डर गए, फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम, उस कह रहा है कि द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, दोनों नौकर डर गए थे, एट वॉट, उस पर, उस बात पर, किस पर, द मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम, जिस बात को उसके मालिक ने अभी अभी बताया था। द ओल्ड गार्डनर, वह बूढ़ा माली जो था, हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो कि घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन, पुल ऑन मीन्स उखाड़ना, हिज अपर लिप्स, उसने अपने ऊपरी होंठ के कुछ बाल, अर्थात अपनी मूंछों के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, और सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो का जो लिंक है, मैं इस फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितने भी पार्ट में कम्प्लीट होगा, उस हर पार्ट का जो है वीडियो जो सीक्वेंस में रहेगा, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट इस तरह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।